छतरपुर में ठप्प पड़े मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए शहर के छत्रसाल चौक पर मेडिकल संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 15 मार्च से शुरू हुआ क्रमिक अनशन 12वें दिन भी जारी रहा। इस क्रमिक अनशन को समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन मिल रहा है। 12वें दिन यहां वीरांगना अवंतीबाई नर्सिंग महाविद्यालय की छात्राओं और छात्रों ने नारेबाजी करते हुए ठप्प पड़े मेडिकल कॉलेज के निर्माण को जल्द शुरू कराने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। अनशन के दूसरे पहर में शाम के समय ब्राह्मण समाज के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर सरकार को सद्बुद्धि देने की भगवान से प्रार्थना की गई है। ये इसलिए हवन पूजन किया गया, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव था उस समय घोषणा कर दी गई थी मेडिकल कॉलेज की, हाँ तो जगह में लगी, जगह के बाद भोजन पूजन भी कर दिया गया, तो इसके बाद फिर बंद कर दिया। यहाँ का कॉलेज दतिया ले गए, फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई यार यहाँ पर जब हम लोग परेशान होते हैं, दतिया में कॉलेज मेडिकल कॉलेज हो गया, झांसी में है, ग्वालियर में 20-20 किलोमीटर कॉलेज है, यहाँ छतरपुर में कॉलेज मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ की जनता आसपास की महोबा की छतरपुर की टीकमगढ़ की परेशान होती है, पन्ना की परेशान होती है। इसलिए फिर वो चुनावी साल आया तो उन्होंने कहा बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट के साथ साथ बोले कि ठेकेदार, अब ठेकेदार बहाना बना रहा है कि रेट वो मटेरियल का रेट बढ़ गया। तो इसमें भैया टेंडर में एक शर्त होती है, टेंडर में शर्त होती है अगर रेट घटते किया है भाई साहब आप लोगों ने। आज हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है, इसलिए किया है कि भगवान सरकार को यहाँ की नेताओं को सद्बुद्धि दे, कि भगवान इनकी बुद्धि दे जिससे यहाँ पर मेडिकल का निर्माण शुरू किया जा सके।